अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सिरौने में मुफ्त मोतियाबिंद शिविर, बीजेपी महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल का आयोजन, सैकड़ों ने उठाया लाभ। नेरुल के सिरौने गांव में भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल एवं पूर्व नगर सेवक काशीनाथ पाटिल के मार्गदर्शन में मुफ्त मोतियाबिंद एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पनवेल के लक्ष्मी आई इंस्टीट्यूट की मदद से आयोजित इस शिविर में प्रभाग 81 और 89 के सैकड़ों लोगों ने आंखों की जांच कराई और मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। आयोजन सहयोगियों ने बताया कि 17 सालों से यह मुफ्त जांच और उपचार शिविर आयोजित हो रहा है। उन्होंने भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल की इस पहल की प्रशंसा की, जिनकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग नेत्र उपचार का यहाँ लाभ उठा रहे हैं। 17 वर्षापासून आपले मोतीबिंदी शिबिर व चष्म्याचे वाटप चालूच आहे। प्रत्येक गावामध्ये आम्ही ज्यावेळी हे असे पेशंट बघितले त्यावेळी गावामध्ये आम्ही 17 वर्षे विचार केला का आपण सुद्धा आपण असे शिबिर भरावे व लोकांना जेणेकरून जास्त फायदा होईल, लोकांची दृष्टी मोतीबिंदूमुळे जाऊ शकते हे आम्हाला त्यावेळी समजलं। मग तेव्हा आम्ही इथं मोठे शिबिर चालू केले। हल्दीपूरकर सर यांच्या सहकार्याने, लक्ष्मी आई इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने आम्ही जवळजवळ 16-17 वर्षापासून आपण हे कॅम्प ठेवत आहोत आणि ह्या जवळजवळ 7,000 लोकांनी जवळजवळ याचा लाभ घेतलेला आहे। आणि जवळजवळ लोक आम्ही बघितलेलं होतं, लोक घरी बसलेली होती ह्या कॅटरॅकमुळे, म्हणजे त्यामुळे अंधत्व आलं होतं, पण आम्ही तिथं त्यांना नेऊन त्यांच्यावर उपचार केले, त्यांच्या कॅटरॅकचं ऑपरेशन केल्यानंतर त्यांना चांगल्या प्रकारे त्यांना दिसू लागलं। काही लोकांच्या घरी वृद्ध असं म्हणून त्यांना लोक त्यांना घरीच ठेवत आहे, पण त्याचं ऑपरेशन कोण करत नसं, पण आपल्या या कॅम्पमधून आपण हे कॅम्पधरून त्यांना नेऊन त्यांच्याला ऑपरेशन करून जर त्यांच्या घरी कोण ड्रॉप टाकणार नसतं तर आम्ही आमचे कार्यकर्ते स्वतः जाऊन घरी जाऊन त्यांच्या ड्रॉप टाकत असत। अशी ही समाजसेवा आमच्या डॉक्टर राजेश पाटीलने जी शिकवलेली आहे ती अजूनपर्यंत आम्ही चालू ठेवलेली आहे। आज जो मोतीबिंदू शिबिर यहाँ पे रखा हुआ है वो डॉक्टर राजेशजी पाटील साहब उनके मार्गदर्शन के नीचे रखा हुआ है और हर साल अपन जगह सोचते हैं तो हर साल रखना बहुत इतनी इजी नहीं है, लेकिन आज 17 साल हो गया इधर कंटिन्यूस मोतीबिंदू शिविर का इधर आयोजन किया जाता है और हर साल इस शिविर की राह यहाँ के नागरिक देखते हैं और उनको ये शिविर की प्रतीक्षा रहती है कि कब चालू होएगा, कब आएगा, क्योंकि मोतीबिंदू शिविर मोस्टली कोई फ्री में रखते नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मोतीबिंदू शिविर होता है वो फ्री में होता है और हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है डॉक्टर राजेश पाटिल साहब और काशीनाथ दादा पाटिल और प्रभाकर जी ठाकुर, इन तीनों की तरफ से इधर हम लोग को पूरी हेल्प मिलती है और यहाँ के जो पब्लिक है उनको पूरी की पूरी सुविधा कैसे दी जाए और उनको अच्छे से अच्छा उनका लाभ कैसा हो जाए वही देखा जाता है। और इस साल बड़े पैमाने में इधर लोगों ने यहाँ पे हमको प्रतिसाद दिया हुआ है। जे सर आमचे कार्यक्रम राबवतात त्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांचा खूप फायदा होतो, गोर गरिबापर्यंत हा मेसेज जातो, प्रत्येकाच्या घरातून लोक येतात, ज्यांचे म्हातारे लोक असतात त्यांना कोणी लक्ष देत नाही अशा लोकांकडे आमचे सर सहानुभूतीने हे कार्यक्रम ठेवतात, तर लोक येऊन डोळे चेक करतात आणि मग त्यांचे मोतीबिंदूचे ऑपरेशन करून देतात। अशा प्रत्येक लोकांना सरांचा आणि दादांचा खूप सपोर्ट आहे। बता दें कि भाजपा नेता और महामंत्री डॉक्टर राजेश पाटिल के इस शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद घरत समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी हाजिरी लगाई और ऐसे लोकहित के सामाजिक उपक्रमों के लिए डॉक्टर राजेश पाटिल की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।